मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूं जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां, यही मेरी दुनिया है। चल बदमाश, लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है, पंजी का क्या स्पेशल है? किन प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं अजय देवगन? क्या नहीं है दृश्यम 2 के लिए उनके पास टाइम? कौन करेगा फिल्म का निर्देशन? मलयालम भाषा की फिल्म दृश्यम जो 2013 में रिलीज हुई थी वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इसकी सफलता और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस फिल्म को हिंदी समेत कई दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया था। मलयालम फिल्म में जहां मोहनलाल ने निभाया था तो वहीं हिंदी वर्जन में उनकी जगह अजय देवगन ने ली थी। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म का सीक्वल अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सीक्वल के रिलीज होते ही फिल्म की अलग अलग भाषाओं में रीमेक्स भी अनाउंस हो चुके थे। वहीं बात अगर हिंदी वर्जन की करें तो अजय इन दिनों अपने बाकी प्रोजेक्ट्स मेडे, मैदान, थैंक गॉड और एक वेब सीरीज रुद्र के काम में बिजी हैं। किसी के कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है तो कुछ बनकर तैयार है और किसी में पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा है। उसी के बाद अजय दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करेंगे। अजय फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में नासिक में शुरू करेंगे। फिल्म में वो अपने किरदार विजय सलगांवकर को दोहराने वाले हैं, जिनमें उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन और इशिता दत्ता जैसे स्टार्स भी वापसी करेंगे। फिल्म के पहले भाग में ये दिखाया गया था कि कैसे एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बेटे की हत्या का इल्जाम विजय के परिवार पर लगा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि सीक्वल में इसी कहानी को आगे बढ़ाकर दिखाया जाएगा। वहीं बात अगर मेकर्स की करें तो फिल्म मेकर्स अभिषेक पाठक इस बार सीक्वल को निर्देशित करेंगे, जिसका पहला पार्ट निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। इन दिनों अजय अपने डिजिटल डेब्यू प्रोजेक्ट रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के काम में बिजी हैं। उसके बाद वो अगले महीने मे डे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन्स की शूटिंग के लिए मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जहां से वापस आने के बाद वो मैदान के बचे हिस्सों की शूटिंग पूरी करेंगे। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को निपटा लेने के बाद अजय दृश्यम और थैंक गॉड के प्रोजेक्ट्स पर एक साथ ही काम शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिल्म्स और अपने चहेते स्टार्स के बारे में ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।